कैन पुलिस की हिरासत में लिए गए गोकुल सिंह चक निवासी युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। पुलिस ने दावा किया कि युवक बेहोश हो गया था, जिसे वह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। हालांकि मृतक के परिजनों ने 4 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग और दिन भर विरोध जताया। देर शाम जुडिशियल जांच के आदेश होने और परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया जा सका। दरअसल सोमवार रात लगभग 10 बजे गोकुल सिंह चक क्षेत्र में रहने वाले इसराइल खां को कुशमोदा पुलिस ने उस समय पकड़ा था जब वह अपने घर जा रहा था। इसके बाद युवक की सास को पुलिस द्वारा फोन कर बताया गया कि इसराइल बेहोश हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन और उसके कुछ मित्र जिला अस्पताल पहुंच गए। तब तक इसराइल ने दम तोड़ दिया था। इसराइल के पिता मुनव्वर खां और उसकी बहन ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने इसराइल के रिहाई के लिए पैसों की मांग की थी। इसराइल के शरीर पर चोट के निशान दिख रहे हैं। मंगलवार को 3 चिकित्सकों के पैनल द्वारा इसराइल का शव का परीक्षण किया गया है। परिजन उसका शव अस्पताल ले गए, लेकिन गोकुल सिंह चक पहुंचते ही विरोध जताना शुरू कर दिया। गोकुल सिंह चक पर इसराइल के परिजन उसका शव रखकर सड़क पर बैठ गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से हुई बातचीत के दौरान परिजनों ने बताया कि उन्हें पीएम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। मामले की जुडिशियल जांच के आदेश देने की मांग की गई है। थोड़ी देर में मृतक के परिजनों की एक मांग मान ली गई और जुडिशियल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शाम लगभग 4 बजे JMFC न्यायाधीश गोकुल सिंह चक पहुंचे और इसराइल के शव का मुआयना कर परिजनों से भी चर्चा की। प्रांत सिंह लाखन, कौन कौन? रविंद्र, हाँ, शिव कुमार, प्रांत सिंह और लाखन, 4 लोगों को लाइन टच किया। इसके चक्कर में कि उसको उसको हाजिर करो और वो कहाँ है, इसलिए मुझे मारपीट करी। इसराइल का है, मेरे को पता नहीं था, मैं तो गाड़ी से आया था, मुझे गाड़ी पे आया था और मुझे तुरंत उनको बर्खास्त करे जाए, गिरफ्तार करे जाए, उनके मकान को ध्वस्त करे जाए। उठा के ले गए कर रहे थे, बोलो इसराइल मुझे मारा ही नहीं, पता नहीं था मैम यहाँ पे भैया घर पे देख लो, तो मुझे उठा के ले गए वो, मुझे उठा के ले गए। क्या नाम है? मेरा इब्राहिम। एक मिनट, कॉल से आ रहा था जी, इस्तेमाल से टीआई साहब से दरोगा छावाई से बात हो गई 15,000 रुपए की, कहीं तेरे को वो मुचरका के मैं छुड़वा देंगे और चौकी पे पकड़वा के सद्दाम और शैतान लग रहे थे पीछे, इन लोगों ने चौकी पे पकड़ के और मैं फोन लगा रहा हूँ बेटा कहाँ है, फोन नहीं उठाया है, और उसकी सास को फोन लगवा दिया एक बार इनने, बस के जी नंबर किसका के मेरी सास का है, उसको सास को फोन लगा दिया और वहीं चौकी में खत्म कर दिया। कौन ने मारा आपके बच्चे को? कौन ने? पुलिस वालों ने। कौन से पुलिस वालों ने? पुलिस वाला एक तो कौन से थाने की पुलिस थी? केंट थाने की थी। पैसे कौन मांग रहा था इसमें? पैसे मांग रहे थे सब जितने भी पुलिस वाले थे, वो दरोगा केंट दरोगा का मैं पीठ दरोगा हूँ, उससे 15,000 की तय हुई है। सलीम भाई लेके गए थे मुझे। अच्छा, मैं सवेरे में भैंस भेज दूंगा, वो दूध खाने वाली है और मैं 15,000 रुपए दे दूंगा। कैंट थाना प्रभारी भी है? कैंट टीआई? टीआई से बात नहीं हुई है, टीआई से बात नहीं हुई है, वो थानदार से बात हुई है। अच्छा, पैसे 15,000 मांग रहे थे छोड़ने के? 60,000 मांगे तो 15,000 में फाइनल हो गई थी। अच्छा, मैं सवेरे 11 बजे दे दूंगा और 11 बजे मोड़ा को ले आऊंगा तो तुम वो चरखा करवा लेना। ये क्या मारपीट की है? आजादी के अमृत महोत्सव की तरह ही एनसीसी कैडेट्स द्वारा अपना स्थापना दिवस 75वां वर्ष उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस उत्साह को भिंड जिले की एनसीसी कैडेट्स साइकिल यात्रा निकालकर मना रही हैं। आज मंगलवार को एनसीसी कैडेट्स की साइकिल यात्रा गुना शहर से होकर निकली। साइकिल पर तिरंगा लिए निकले एनसीसी कैडेट्स का शहर में स्वागत भी किया गया। एनसीसी अधिकारी ने बताया कि 19 नवंबर से भिंड से यात्रा प्रारंभ हुई है, 25 नवंबर को भोपाल पहुंचकर साइकिल यात्रा का समापन होगा। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साइकिल यात्रा में शामिल होकर एनसीसी कैडेट्स का स्वागत करेंगे। बताइए, एनसीसी द्वारा आज जो साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, कहाँ से कहाँ तक निकाली गई और किस उद्देश्य को लेकर? भोपाल के लिए निकली है, जैसे भारत के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, भारत ने अपना मनोमहोत्सव मनाया, उसी प्रकार से एनसीसी भी अपने 75वें वर्ष के तौर पर इसको मना रही है। ये भिंड से भोपाल के लिए जाएंगे, वहाँ पे शिवराज जी हैं अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो इनका स्वागत करेंगे, उनको अपने
बांटने के लिए आ रहे हैं, इनके साथ में सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं। सर कितने दिन में पहुंच जाएगी ये यात्रा? 19 से शुरू हुई है और 25 को समाप्त होगी। क्या शुभ नाम है सर आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत आज 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया, जो सभी नवनियुक्त व्यक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि स्टार्टअप से लेकर स्वरोजगार तक, स्पेस से लेकर ड्रोन तक, आज भारत में युवाओं के लिए चौतरफा नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें राष्ट्रीय विकास में उत्प्रेरक बनाने का हमारा प्रयास है। देश में 45 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत भोपाल के कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि थे। तोमर ने कहा कि हमारे देश के युवाओं की ताकत हमारी सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं की पूंजी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मुख्य संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप इतने परिवारों के लिए खुशी का नया युग आएगा। उन्होंने याद दिलाया कि धनतेरस के दिन केंद्र सरकार ने युवाओं को 75,000 नियुक्ति पत्र बांटे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का रोजगार मेला इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। कई केंद्र शासित प्रदेश व राज्य समय समय पर ऐसे रोजगार मेले आयोजित करते हैं आज ग्राम खोंकर में सोनाली पब्लिक शिक्षा समिति एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति द्वारा खोंकर में नशा मुक्ति हेतु एक पहल करते हुए शासकीय विद्यालय खोंकर के सहयोग से ग्राम नशा मुक्ति रैली एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम MSW छात्र देशराज यादव ने स्कूली छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव एवं उससे बचने के उपाय विषय पर चर्चा करते हुए प्रभावी समझाइश दी। साथ ही एक रैली का आयोजन किया गया, जो गांव में खोंकर नारे लगाकर ग्रामीण जनों को नशा न करने के लिए प्रेरित किया। म्याना से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। आपने किस उद्देश्य पर कैसा क्या रखा सर? आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की तरफ से हमने हमारे ग्राम खोंकर में ये कार्यक्रम किया है, जो नशा मुक्ति के ऊपर था। हमारा प्रयास है कि जो ग्राम में अधिकतर नशा का सेवन करते हैं, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, शराब, तो इनसे व्यक्ति बचें। इस पर जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की तरफ से मैं MSW छात्र रहा हूँ, अभी MSW कर रहा हूँ मैं, और ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति ग्राम खोंकर और सोनाली शिक्षा समिति, इन दोनों के सहयोग से शासकीय विद्यालय खोंकर में ये कार्यक्रम किया है, जिसमें बच्चों का सहयोग रहा है। बच्चों से संवाद स्थापित करके उनको नशे के दुष्प्रभाव और किन कारणों से नशा हमारी ज़िंदगी में आता है और उनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इन तीनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके बाद हमने एक ग्राम रैली भी निकाली, जिस रैली के माध्यम से हम नशा मुक्ति के नारे लगा करके ग्राम के लोगों को नशा छोड़ने के लिए संदेश दिया। आपको परिचय? मेरा नाम देशराज यादव, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम MSW का छात्र, गुना। बिजली के बिल जमा नहीं करने पर रेलवे स्टेशन के आसपास गरीब बस्ती में 7-8 घरों की बिजली कनेक्शन विद्युत विभाग द्वारा काट दी गए हैं। सप्ताह भर से घरों में अंधेरा पसरा हुआ है। घरों की परेशान महिलाएं और अन्य लोगों ने मंगलवार को संबंध में जनसुनवाई में कलेक्टर से शिकायत की और बिजली चालू करने की मांग की। इन लोगों ने बताया कि हम सभी मजदूर वर्ग से हैं और मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। विद्युत विभाग द्वारा हर महीने 1500 से लेकर 2000 रुपये तक के बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। इतने भारी भरकम बिल हमसे जमा नहीं हो पा रहे हैं। बिल इकट्ठा हो गया है, जिसके चलते विद्युत विभाग ने हमारे घरों की बिजली काट दी है। अब घरों में अंधेरा पसरा हुआ है, साथ ही बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और हमें अंधेरे में तमाम परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। इन लोगों ने कहा कि हम गरीब लोग हैं, एक साथ इतना बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते, इसलिए हमें किश्तों के जरिए बिल जमा करने की व्यवस्था की जाए। क्या समस्या है आपके लिए, क्यों आए भाई साहब? हमारी समस्या ये है कि हमारी लाइट काट दी, आज एक हफ्ता हुआ है, अगले मंगलवार को काटिए और अभी तक कोई जोड़ने को तैयार नहीं है। बिजली घर भी कहते हैं, हम बिजली घर वाले बोलते हैं पैसे दे दो, पूरा जमा करो, उसके बाद जमा मतलब लाइट कर जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई किस्तों से निराकरण हो जाए, गरीब आदमी बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारा कुछ हो जाए। क्या नाम है आपका? कैलाश अहिरवाल। कहाँ से आए हो? प्रेम श्री होटल के पास। भोपाल जारी NCC की
मंगलवार 22 नवंबर को गुना की सभी एनसीसी इकाई द्वारा शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. वीके तिवारी के संरक्षण में भिंड से भोपाल जा रही एनसीसी कैडेट्स की साइकिल रैली का स्वागत कर कैडेट्स की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर महाविद्यालय के उप प्राचार्य वनस्पति विभाग के अध्यक्ष डॉ. निरंजन शौतरीय की टी कंपनी गुना के एएनओ कैप्टन मनोज कुमार भिरोरिया सेकंड ऑफिसर यशवंत शर्मा भी उपस्थित थे। रैली में भिंड ग्वालियर शिवपुरी के एनसीसी कैडेट्स के साथ ही एनसीओ एवं जेसीओ साथ थे। 27 नवंबर 2022 को मनाई जा रही एनसीसी की 75 वर्षगांठ पर एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली भिंड से 19 नवंबर को ग्वालियर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजीव कुमार के निर्देशन से शुरू होते हुए 27 नवंबर को भोपाल पहुंची। इस रैली में एमपीसीजी एनसीसी निदेशालय की ग्वालियर सागर भोपाल इंदौर जबलपुर ग्रुप के कैडेट ने भाग लिया है। हर वर्ष नवंबर के चौथे रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का गुना शासकीय महाविद्यालय में स्वागत किया गया और सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करने का कष्ट करे कैप्टन मनोज बिरोद। धन्यवाद शर्मा जी। निश्चित रूप से आज पीजी कॉलेज गुना परिवार आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर वीके तिवारी जी के सानिध्य में जिस तरह से हमें आपकी ये रैली का अगुवाई करने का मौका मिला है, मैं निश्चित रूप से सबसे पहले हमारे 35 बटालियन के सीओ आदरणीय श्री कर्नल सुदीप्ता घोष साहब, मैडम अफसर अंचल वर्मा साहब, एसएम साहब जयराम जाट साहब और महाविद्यालय परिवार के मुखिया डॉक्टर वीके तिवारी जी, आदरणीय वाइस प्रिंसिपल साहब डॉक्टर बीपी श्रीवास्तव साहब और साथ में आए हुए नायब सूबेदार यादव साहब, हवलदार साहब और नर्सिंग असिस्टेंट साहब, ड्राइवर साहब और सबसे प्रमुख रूप से जो मेरे यंगस्टर्स हैं कैडेट जो इस रैली में अपना सहयोग और ऊर्जावान योगदान दे रहे हैं, सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। महाविद्यालय में सबका स्वागत और मेरे पूरे जो एनओ साथी हैं शर्मा साहब जहा साहब और हमारे एक साथी अभी पीआरसीएन कोर्स कर रहे हैं कामटी महाराष्ट्र से एल के शर्मा साहब, उन सब की तरफ से और मेरे सभी कैडेट की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आभार धन्यवाद शुभकामनाएं कि आपने हमारी कॉलेज में आके एक छोटा सा स्वल्पहार स्वीकार किया। इसके लिए मैं यादव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस अभियान में हम थोड़ा बहुत आपको कंट्रीब्यूट कर पाए। इन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार थैंक यू सो मच। आज ग्राम म्याना मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति की ओर से म्याना हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में नशा मुक्ति हेतु एक कार्यक्रम किया गया जिसमें शासकीय विद्यालय बच्चे स्टाफ व अन्य लोग मौजूद रहे, जिसमें गुना से आए जिला समन्वयक मंजूसा सोलोमन, ब्लॉक समन्वयक अमित गोयल, प्राचार्य हरिनारायण जाटव ने नशा को छोड़ने व अन्य लोगों को भी नशा छुड़वाने के लिए प्रेरित किया व स्कूली छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव एवं उससे बचने के उपाय विषय पर चर्चा करते हुए प्रभावी समझाइश दी। साथ ही सभी को नशा न करने के लिए शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर म्याना समिति से मुकेश कुशवाहा, देशराज यादव, राजीव साहू, मोहन शर्मा, संतोष जाटव, रिंकू दिवेलिया के साथ छात्र एवं स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। म्याना से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। आज के नशा मुक्ति कार्यक्रम आपके कहीं सर? मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला अधिकारी हमारे विद्यालय में आए और बच्चों को नशा के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया और उससे किस तरह से जीवन हमारा प्रभावित होता है, परिवार और समाज को क्या क्या हानियाँ होती हैं उस विषय में बताया। और सारे बच्चों ने नशा नहीं करने की और नशा नहीं करने देने की शपथ। आपको पर्चे एचएन जाटव प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल। आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है मैम? क्या आज के कार्यक्रम का नशा मुक्त समाज बनाना है। नशे से जो हमारे समाज में कई विकृतियाँ आ रही है, हमारे समाज में इससे बहुत दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो इस हेतु हम बच्चों में अभी से ये चीज़ों को बता रहे हैं कि इससे क्या नुकसान होंगे और इसके ना करने से क्या फ़ायदे हैं, इसको लेकर हमने बच्चों से सीधी बातचीत करी है ताकि हमारा एक स्वस्थ समाज बन सके। आप पढ़ जाए मंजूषा सलमान, जन अभियान परिषद जिला समन्वय। और हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा पूरे देश भर में
नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम विगत 2 अक्टूबर से लगातार चल रहा है। इसके तहत आज मियाना के इस स्कूल में शपथ का कार्यक्रम बच्चों के बीच किया गया। इस प्रकार ये कार्यक्रम प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल, किसी न किसी कॉलेज, किसी विद्यालय में, ग्राम सभा में तथा अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से निरंतर चल रहे हैं। आपका परिचय? अमित गोयल, विकास खंड में कोना। धन्यवाद। अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा के अध्यक्ष घनश्याम सिंह रघुवंशी, सातवें समाज के गणमान्य लोगों ने रेल महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा ZRUCC मेंबर सुनील आचार्य को, जिसमें अध्यक्ष महोदय ने कोटा वायर उठाइया केंद्र को कोटा से गुना होते हुए भोपाल के लिए और ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी के प्रत्येक दिन ग्वालियर से गुना होते हुए इंदौर चलाने की बात कही। ऐसा करने से उक्त क्षेत्र वासियों के साथ खेल प्रशासन को भी लाभ होगा। वहीं लोगों ने कहा दिल्ली मथुरा जाने वाली गाड़ियों का समय पूर्व की तरह किया जाए। सुनील आचार्य ने कहा कि इन परेशानियों को रेल महाप्रबंधक महोदय के समक्ष रखूंगा। इसमें हमारा मत है, अभी जो वर्तमान में कोटा से ट्रेन आती है वाया रुठियाई होती हुई इंदौर जाती है, इसमें अधिकतर सवारियां गुना से रुठियाई जाना पड़ता है, क्योंकि सुबह वो जल्दी जाना पड़ता है वहाँ पे, और जब लौट के वापस आती है रात को लेट हो जाते हैं, वहाँ से कोई अब वापस आने का साधन नहीं मिलता। तो मेरा निवेदन ये है रेलवे से कि इस ट्रेन को कोटा से सीधा लाके भोपाल के लिए ले जाया जाए, इससे पावर बदलना बंद हो जाएगा, समय भी बचेगा और यात्रीगण जो असुविधा होती है उससे भी बचेंगे। और दूसरी ट्रेन जो इंटरसिटी ग्वालियर से भोपाल चला रहा है, जो साप्ताहिक है, उस ट्रेन को ग्वालियर से लेके इंदौर के लिए चलाना चाहिए, उसको प्रतिदिन चलाना की आवश्यकता है, क्योंकि सुबह टाइम गुना से इंदौर के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे सुगमतापूर्वक व्यक्ति वहाँ इंदौर पहुँच सके, क्योंकि गुना से चारों महानगर जुड़े हुए हैं जिसमें कोटा, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल। तो ये ट्रेन अगर इस तरह का टाइम टेबल चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो सभी के लिए बहुत सुविधा होगी। क्या सुना है आपका? घनश्याम सिंह रघुवंशी। क्या किस पद पर सर? अध्यक्ष अखिल भारतीय रघुवंशी महासभा गुना। संचालनालय भोपाल के निर्देशानुसार युवा अभियान अंतर्गत खेलों के प्रति युवाओं को जागरूकता पैदा करने, खेल को सर्वसुलभ बनाने और प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री कप का आयोजन किए जाने हेतु कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कलेक्टर सभाकक्ष में किया गया। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक, जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया, जिला क्रीड़ाधिकारी सुरेंद्र पाल सिंह परिहार, नेहरू युवा केंद्र अधिकारी दुर्गेश चंद सक्सेना, अतुल कुमार शर्मा, सुनीता कंवर, शिवराज सिंह भदौरिया, तौफीक खान उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता की जानकारी से समिति को अवगत कराया। मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता 6 खेलों कबड्डी, कुश्ती, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक खेलों में आयोजित की जाना है, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक बालिका खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। खिलाड़ी की आयु की गणना 31 दिसंबर 2022 तक की जाएगी। मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी एक ही खेल खेल सकता है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के विकासखंड गुना में दिनांक 23 नवंबर 2022 को संजय गांधी खेल परिसर, लाल परेड मैदान, श्यामा प्रसाद खेल प्रशाल के जूडो हॉल, मल्टीपर्पज हॉल में, विकासखंड अरोन में 26 दिसंबर 2022 को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय अरोन में, विकासखंड बमोरी में दिनांक 28 दिसंबर 2022 को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बमोरी में, विकासखंड चाचोड़ा में दिनांक 30 दिसंबर 2022 को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चाचोड़ा में, विकासखंड रातुगढ़ में दिनांक 2 दिसंबर 2022 को ITI खेल मैदान राघुगढ़ में मुख्यमंत्री कप विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर में जनसुनवाई कक्ष में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन कर आवेदकों की समस्याओं को निराकरण किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक द्वारा आवेदकों से व्यक्तिशः चर्चा कर उनकी समस्याएं जाननी और उनके समुचित निराकरण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। आज जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान राजस्व विभाग से संबंधित 91 आवेदन, पुलिस विकास से संबंधित 24, जिला और जनपद पंचायत से संबंधित 23, नगर पालिका से संबंधित 45 और 20 अन्य आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। आज जनसुनवाई के दौरान संयुक्त कलेक्टर RB सेंडोस्कर और संयुक्त कलेक्टर सोनम जैन सहित विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
गुना शहर के सभी सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रतिनिधि गुना के क्षेत्र ही नहीं अपितु कोटा से भोपाल और ग्वालियर से इंदौर के मध्य आने वाले शहर गांव कस्बों को रेल सुविधा मुहैया कराने के लिए रेल महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद सविता गुप्ता जी ने कोटा वाया रुठाइया इंदौर को कोटा से गुना होते हुए भोपाल और ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी को प्रत्येक दिन ग्वालियर से गुना होते हुए इंदौर को रवाना करने की बात कही। उन्होंने कहा ऐसा करने से उक्त क्षेत्र के लोगों का चार महानगरों से जुड़ाव होगा जो शिक्षा रोजगार चिकित्सा और व्यापार के क्षेत्रों के लिए एक नया मार्ग और सुविधा मिलेगी। काफी दिनों से गुना शहर में भोपाल इंदौर ग्वालियर कोटा जैसे महानगरों में जाने के लिए रेल सुविधाएं यात्रियों को यहाँ नहीं मिल पा रही है और यात्री यहाँ का परेशान है, तो आप अपने क्षेत्र के रेल यात्रियों को लेकर रेल प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं? मैं सविता अरविंद गुप्ता नगर पालिका अध्यक्ष निवेदन करती हूँ कि रेल महाप्रबंधक महोदय से निवेदन है कि कोटा बाया रुठाइया इंदौर 22983 गाड़ी को कोटा से गुना होते हुए भोपाल को रवाना किया जाए और भोपाल ग्वालियर 12198 को प्रत्येक दिन ग्वालियर से गुना होते हुए इंदौर के लिए रवाना किया जाए। ऐसा करने से मेरे क्षेत्र के सभी वर्ग के यात्रियों को लाभ मिलेगा क्योंकि चारों महानगर शिक्षा चिकित्सा रोजगार व्यापार के केंद्र बिंदु हैं। प्रशासन गाड़ियों का रूट परिवर्तन करने की कृपा करें जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। इस संबंध में श्री मंत महाराज साहब को भी निवेदन करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री मंत महाराज साहब मेरी इस मांग को अपने इस क्षेत्र के लोगों के लिए जरूर स्वीकृत करेंगे और उन्होंने पहले भी हमारे गुना के लिए सभी गाड़ियों का रूट यहां पर करा है। धन्यवाद।